بسم الله الرحمن الرحيم. कैसे डॉक्टर साहब? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? मैं सेल्फ फ्रास फ्रॉम एजीबी. डॉक्टर साहब, आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड इज अ बिग प्रॉब्लम. डॉक्टर साहब, जितनी भी कंपनीज आपके पास आती हैं वो सिर्फ आपके पास कैल्शियम और विटामिन डी लेकर आती हैं. डॉक्टर साहब, एजीबी प्राउडली ऑफर्स यू सिनर्जी ऑफ 3 विद द नेम ऑफ ऑस्नेट डी. जी डॉक्टर साहब, ऑस्नेट डी द ओनली कैल्शियम विद रिमॉडलिंग एनहांसर. और डॉक्टर साहब, ऑस्नेट डी सिंपल कैल्शियम के मुकाबले में आपके पेशेंट को फॉस्फोरस और ग्रोथ फैक्टर भी प्रोवाइड करता है. डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन डी इज नेसेसरी होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर फिक्सेशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, एंड ग्रोथ फैक्टर डॉक्टर साहब जो के बोन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. सर, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि बोन रिमॉडलिंग इज अनकपल्ड इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो डॉक्टर साहब, ऑस्नेटी कपल्स बोन रिमॉडलिंग बिकॉज डॉक्टर साहब, ऑस्नेटी रिमॉडलिंग एनहांसर है ऑस्टियोब्लास्टिक की एक्टिविटी को एनहांस करता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन इंप्रूव होती है और बोन रिजॉर्प्शन में कमी वाकई होती है. तो डॉक्टर साहब, ऑस्नेटी अचीव्स एडिक्वेट कैल्शियम लेवल्स एंड रिलीज इन लेग क्रैम्प्स, बैक पेन एंड एब्डोमिनल पेन. डॉक्टर साहब, ऑस्नेटी मेक्स एनर्जी ऑफ 3 मेक्स पेशेंट सिम्टम्स फ्री. डॉक्टर साहब, ऑस्नेटी अर्ली रिलीफ प्रोवाइड करता है आपके पेशेंट को जहां आपके पास बैक पेन और लेग क्रैम्प्स के साथ पेशेंट. सर, आप देख सकते हैं जैसे कि इस ग्राफ में भी दिखाया गया है कि ऑस्नेटी ने जो हाईली अचीव किए हैं सर लेग क्रैम्प्स एंड बैक पेन में. डॉक्टर साहब, ऑस्नेटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज. और सर, ऑस्नेटी इज मोर देन अ जस्ट कैल्शियम, द ओनली कैल्शियम विद रिमॉडलिंग एनहांसर. और सर, ऑस्नेटी प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ 3 मेक्स द मदर सिम्टम फ्री. और सर, ऑस्नेटी रिमॉडलिंग एनहांसर प्रेजेंट्स इन ऑस्नेटी इम्प्रूव बोन क्वालिटी. एंड ऑल्सो ऑस्नेटी रिड्यूस पोस्ट मेनोपॉजल बोन लॉस. एंड ऑल्सो ऑस्नेटी इज हाईली प्रिस्क्राइब ओएसटी इन पाकिस्तान लास्ट 20 इयर्स. डॉक्टर साहब, इन एडोलसेंस प्रेगनेंसी इन ऑस्टियोपेनिया 1 टैबलेट बीडीज की रिकमेंडेड डोज है. एंड ऑल्सो जहां आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं वहां 2 to 4 टैबलेट बीडीज की रिकमेंडेड डोज है. सर, मैं आपसे कॉन्फिडेंट रहूँ कि इन तमाम बेनिफिट्स के मद्देनजर रखते हुए आप अपने नेक्स्ट कमिंग पेशेंट को ऑस्नेटी ही प्रिस्क्राइब करें. जी, इंशाल्लाह. थैंक यू.